नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हरियाणा के बेरोजगार हताश जो बच्चे हैं और काफी महीनों से मंत्रियों के, HSSC चेयरमैन, कमीशन, हर जगह पर ये घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। हालांकि आप लोग इन बच्चों को जानते ही होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है अपने हकों के लिए और अपना जो जीवन जो होता है उसको बचाने के लिए। हरियाणा आज आपको पता है बेरोजगारी में नंबर वन है। HSSC कमीशन है वो बिल्कुल नाकाम है, वो कुछ भी कर पाने में मतलब कि असफल रहा है, ना कोई भर्ती कंप्लीट हुई है। और सबसे बड़ा लूपहोल हरियाणा पुलिस भर्ती का, जिसमें 5000 पोस्टों के लिए लॉलीपॉप तो पकड़ा दिया, लेकिन 2019 में निकाला, अब तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसका जो फॉर्मूला था वो गलत तरीके से अप्लाई कर दिया गया, जिसके कारण कोर्ट में भी मामला चला। तो लेकिन अब बात है सरकार की मंशा के ऊपर, कमीशन की मंशा के ऊपर। और अब ये बच्चे बिल्कुल आप देख रहे हैं, जब अपना वस्त्र निकार के एक प्रकार से नंगे शरीर में आके सरकार के सामने, कमीशन के सामने प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और मैं इन बच्चों के बिल्कुल सपोर्ट में हूं, जहां जो कहेंगे वहां पर वो सारे की हर प्रकार से इनको सपोर्ट किया जाएगा। और बाकी हरियाणा के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी भाई यूट्यूबर्स हैं, जो भी हैं, वो इन बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आप जो लोग हो वो इन्हीं बच्चों की वजह से हो। और HSSC कमीशन ना तो CET करवाने में सफल हो पा रहा है, ना कोई सिलेबस देने में सफल हो पा रहा है, ना कोई भर्ती, आप देख रहे होंगे हर भर्ती लटकी हुई है। और युवा कब तक आपका वेट करेगा? 2019 में जिस बच्चे ने तैयारी किया था, अब 2022 आ गया, कब तक? बाकी कमीशन्स में बिल्कुल सारा का सारा शेड्यूल से, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों ने बहुत प्रयास किए हैं, संघर्ष किए हैं, काफी कुछ किया बच्चों ने, लेकिन सरकार की जो कान है वो बिल्कुल जू तक नहीं रेंगती, ना ही कमीशन में। हर रोज इनके बयानबाजी आते, कभी कहते ये कर देंगे, कभी वो कहते हैं। तो इस बार है ना, एक अच्छा हल्ला बोल करके कमीशन को और सरकार को जगा दो कि हरियाणा का युवा जाग रहा है, ये सोआ नहीं है। और जब हरियाणा का युवा, अगर अच्छे से आप लोग जाग जाओगे, अपने अधिकारों की मांग करोगे, तो आपको अधिकार देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो लोग बैठेंगे हमारे लिए बैठे हैं, हमारे अधिकारों को हमारे को देने के लिए बैठे हैं, ना कि हमारे को लूटने के लिए। तो इस लूट के प्रति बच्चों आपको अवेयर होना है, आगे आना है। और जो भी बच्चों ने डिसाइड किया है पंचकुला जाने का, वो ये सारे के सारे बच्चे आपको बता देंगे। वहां पर सब बच्चों को, हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को अपना रिजल्ट निकालने के लिए, दुर्गा जो है उनको अपना ज्वाइनिंग लेने के लिए, CET के एग्जाम्स को, सिलेबस को डिफाइन करने के लिए, जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं सारे वहां पर पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज वहां पर उठाओ और कमीशन के सामने अपनी मांग रखो, और इस तरीके से पुरजोर तरीके से रखो, ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे और आपको परिणाम मिले। अभी ये बच्चे आपको बताएंगे सारा का सारा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस के रिजल्ट को निकलवाने को लेकर हम लगातार 2 महीने से शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं। रोहतक में हमने तिरंगा यात्रा की, पंचकुला हम चेयरमैन साहब से मिल के आए, उससे पहले हम CS से मिले, हम चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हम CM से मिले, आज भी हम CM से मिलेंगे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम युवाओं का एक हल्ला बोल, युवाओं का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पंचकुला में 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए, बेरोजगारों की यात्रा करते हुए कमीशन को 22 तारीख को घेरेंगे। और वहां हम कमीशन के चेयरमैन साहब से, जैसा भी आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री साहब पहले कह चुके हैं कि कोर्ट के अलावा, कोर्ट के बिना हम रिजल्ट दे सकते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने, मुख्यमंत्री साहब ने यह बात बोल दी थी। और चेयरमैन साहब ने भी एक इंटरव्यू लिया गया था, एक उसके द्वारा मतलब जो भी रिपोर्टर है, उसमें भी चेयरमैन साहब ने कही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के बिना हम रिजल्ट दे दें। तो वो कोर्ट के बिना रिजल्ट लेने के लिए हम, और CET की मांग रखने के लिए, उन बेरोजगारों का हल्ला करने के लिए, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा चेयरमैन को यह याद दिलाने के लिए कि यह भर्ती पूरी की जाए। हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती है, युवा परेशान है, हताश है और बहुत ही डिप्रेशन में आ चुका है। तो आप सभी से निवेदन है, 22 तारीख को हम पंचकुला प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी का सहयोग होगा, सहयोग चाहिएगा, इसको हम एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे। तो साथियों, अब और साथियों से बात कीजिए, धन्यवाद। साथियों, अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। अब मैं आप सभी से पूछता हूं कि 2019 में जब से ये सरकार दोबारा चुन के आई है, हमने इनको वोट देके बना दिया, उसके बाद कोई भी बड़ी भर्ती इन्होंने की हो तो मुझे बता दो।
ये हरियाणा पुलिस की भर्ती थी जिसमें 5500 मेल कांस्टेबल है और 1100 फीमेल कांस्टेबल है। ये भर्ती इस सरकार की सबसे बड़ी भर्ती है, लेकिन 4 साल से, लगभग 3 साल से ये मान के चलो कि इसको अभी तक लटकाया जा रहा है। और अगर इसको इसी तरीके से 5 तारीखें लग ली, इसमें 5 तारीखों में अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ कि किस फॉर्मूले से रिजल्ट आएगा आपका, तो अगर इसी तरीके से ये चलता रहा सिस्टम तो ये 2024 तक भर्ती पूरी नहीं करेंगे और हो सकता है कि ये भर्ती आपको कैंसिल भी कर दे अगर इसी तरीके से ये चलता रहा। इनको रोजगार नहीं देना है हमको, हरियाणा के किसी भी युवा को, नंबर वन हरियाणा को रखना ही रखना है बेरोजगारी में। इसीलिए अब आप सभी मिलकर HSSC चेयरमैन से मिलो और वहां पर जाकर ये कहो कि या तो रोजगार दो, नहीं तो हम वहां पर हमारी जो सारी की सारी डिमांडें हैं वो रखेंगे पुरजोर तरीके से, और अपना 22 तारीख को वहां पे अपना पूरा का पूरा जोरदार प्रदर्शन पूरे हरियाणा के युवाओं के साथ करेंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सभी को। साथियों, जैसे आपको पता है कि इतने पीछे काफी प्रोटेस्ट कर लिए, उसमें बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, जिससे सरकार जाग नहीं रही, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, और ये भर्ती 2019 से चल रही है। 2019 से आज तक बहुत कम भर्तियां हुई है, जिसके कारण हरियाणा नंबर वन बेरोजगारी पे है, और इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की यूनिटी नहीं है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज तक जितने प्रोटेस्ट किए हैं उनको सफल बनाने के लिए, उसमें 100-150 बच्चे आए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 22 तारीख को पंचकुला जब इकट्ठे हुए तो एक बार आप सारे बेरोजगार साथी सारे सबको आना है वहाँ पे, HSSC के पास अपने सारे डाउट रखेंगे सब, उनके अपना जो भी पर्सन है वो वहाँ से आप जवाब लेके आएंगे, और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, भर्ती क्यों नहीं हो रही, इस मामले को जब तक युवा नहीं उठाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 22 तारीख को पंचकुला जा रहे हैं, आप वहाँ सभी साथी पहुँच जाना, बाकी बात भाई साहब ने इन्होंने बता दी है, और बाकी आप एक दो साथियों से और भी पता करो। नमस्कार सभी को। देखो, आप सभी को पता है कि हमारा रिजल्ट बहुत पेंडिंग है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हरियाणा पुलिस का, लगा लो जा कोई भी हरियाणा में जो भी भर्तियां हो रही हैं, तो हम 22 तारीख को गाज करने के लिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मतलब अपने आंदोलन करने जा रहे हैं, तो आप सभी से यही हम विनर निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी के सभी 22 तारीख को पंचकुला पहुंचो, ठीक है, सारे सारे मिलके बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और ये अपना जो अपना हक है वो अपना हक हम लेके रहेंगे, तो आप सभी से यही निवेदन है कि हम सारे अपना हक लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप सभी 22 तारीख को वहां पे पहुंचो और हम सारे मिलके बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं और दीपक भाई पंचकुला गए थे और हमारी HSS हमने कोई सुनवाई नहीं हुई का वेट करना पड़ा था, जो सुनवाई नहीं हुई वो लड़के गए थे सिर्फ, अगर ज़्यादा संख्या में होते तो हमारी सुनवाई होती, लाजमी है। अब 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और अपनी सुनवाई भी होगी, हम अपना हक ले के रहेंगे। ये जो नगन अवस्था में हम खड़े हैं ना, ये अवस्था सिर्फ हमारी नहीं है, ये हरियाणा के पूरे बेरोजगार युवा की नगन अवस्था है। इसलिए आज हम इस अवस्था में खड़े होकर सरकार को ये चेता रहे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि या तो हमें रोजगार दे दो, नहीं तो हरियाणा का बेरोजगार युवा दर बदर नंगे और भूखे घूम रहे हैं, युवाओं के हालात बहुत खराब है। तो आप सभी से इस नगन अवस्था में हम बस यही अपील करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि हरियाणा का पूरा युवा बेरोजगार युवा इकट्ठा होगा और 22 तारीख को प्रदर्शन करेगा, और हम उन तमाम भर्तियों के रिजल्ट लेने में सक्षम रहेंगे। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी सभी पहुंचकर हमारा सहयोग करें और हम आपसे लगातार कनेक्शन भी बनाते रहेंगे और इसकी आवाज उठाते रहेंगे, आप सभी से भी उम्मीद है। धन्यवाद। बच्चा एक प्रॉब्लम ये होता कि हमारे को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता, तो जो जो बच्चे एक्टिव हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, जो अवेयर हैं, जो इस आंदोलन में ये चाहते हैं कि भी हम सबके साथ मिलके ही करें, तो बच्चा इस वीडियो के नीचे ना आपको एक कोई ग्रुप का लिंक वगैरह होगा, आप हाँ इन बच्चों का जो भी लिंक होगा जहां पर सारे के सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तो वहां पर सारे के सारे जुट जाओ और फर्दर प्लान आपको ये सारे के सारे बच्चे वहां पर आपको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे कि कब हमारे को चलना है, कैसे चलना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एक अपनी कमेटी बनाओ, वहां से 4-5 जो लीडर बने वो अपना अपना नाम दो, फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करें, तो इस प्रकार से पूरे हरियाणा से कम भी 2-4-5 हजार की संख्या में बच्चे वहां पर पहुंचने चाहिए, नहीं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारा शोषण ऐसे ही होगा, तुम लोग ऐसे ही मरोगे क्योंकि तुम लायक ही इसी बात के हो।
अगर तुम अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो हरियाणा के ये जो नेता हैं जो घूमते हैं कि हम आवाज उठाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो ये विपक्ष बना बैठा है या फिर जो निर्दलीय नेता हैं या फिर सरकार के भी जो नेता है, जिनको ये लगता है कि भी ये निकम्मे लोग हैं, HSSC कमीशन SPL कमीशन है, तो वो सारे नेता, वो सारे के सारे पार्टियों वाले जो भी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सब लोग इन बच्चों का सपोर्ट करें और सामने आए। इनविटेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास नहीं आए, मेरे पास नहीं आए, नहीं तो 2 साल के बाद आपको आना पड़ेगा और तब ये युवा इसी अवस्था में आपको अच्छा जवाब देंगे। अदरवाइज अभी भी मौका है, नेताओं को बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से, अगर मौका है जिस बात के लिए आपको उस कुर्सी पर बैठाया है उस बात का अब टाइम आ गया है हरियाणा के युवाओं को 25 लाख जो 30 लाख जो बच्चे हैं उनका सपोर्ट करने का। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारे के सारे सोशल एक्टिविस्ट, सारे के सारे टीचर्स, सारे नेता इस मुहिम में बच्चों का सपोर्ट करेंगे। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, कोई वहां तक ले जाने में या किसी भी प्रकार से आप सपोर्ट कीजिएगा एक पॉजिटिव माहौल में, संवैधानिक तरीके से। तो यही आज का मेन मुद्दा था और अब अगले 10-12 दिन से अच्छे से बच्चों से साथ कोऑर्डिनेट करके और 22 मार्च को पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में फैला दो कि हरियाणा का युवा कितना तंग है। पीएम मोदी तक बात पहुंचा दो कि हरियाणा के युवाओं का शोषण HSSC ने, HPSC ने, हरियाणा सरकार ने किस तरीके से किया हुआ है। तो पूरे इंकलाब जिंदाबाद के साथ एक बार नारा लगा के वहां पहुंचेंगे 22 तारीख को और मैं भी वहां पर जा रहा हूं, बाकी भी सारे के सारे वहां पर पहुंचे। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद।